हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को एपिक्स लेजेंड अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करना है और जो एरर आएंगे उसको कैसे फिक्स करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आप अपने जेड रिसीवर में आ जाइए और जो लिंक मैंने दिया हो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, और गेम देख लीजिए। अब यहाँ से आप लोगों को गेम मिल जाएगा, तो आप लोगों को इसको पहले अनजिप कर देना है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है इसलिए मैं वापस कुछ नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को खाली बता दूँगा कैसे क्या करना है। अभी ये देख रहे जो OBB फाइल है उसको आप कॉपी करके या एक्स्ट्रैक्ट करने के बाद मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कॉपी करके OBB में इसको पेस्ट कर दूँगा और ये ऑलरेडी पेस्ट है इसलिए मैं कर रहा नहीं हूँ। फिर उसके बाद आपको अपने एपिक्स लेजेंड को इंस्टॉल करना है। और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इंस्टॉल वापस नहीं करने वाला हूँ अब। और फिर ये देखिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा अभी क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं करने वाला गेम। और अब आ जाइए अपने लक्की पैचर पे। आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने दिखाया होगा लेकिन बहुत सारे लोगों का वर्क नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ वर्क किया है और आप लोगों के साथ भी करेगा। मेरा रूटेड है लेकिन मैं आप लोगों को जो नॉन रूटेड है वाला मेथड बताने वाला हूँ अभी वीडियो में। अभी आप लोगों को आ जाना है क्रिएट मॉडिफाई EPK फाइल में। तो आपको यहाँ पे आने के बाद आपको EPK विदाउट लाइसेंस वेरिफिकेशन पे चला जाना है और फर्स्ट वाला ऑटो मोड, और फिर आप लोगों को रिमूव हो जाए वो आगे पता नहीं है लिखा उसको, फिर रिबिल्ड कर देना है इस ऐप को। और बहुत सारे लोग ये ट्रिक नहीं बताते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया लेकिन किसी ने भी ये ट्रिक नहीं बताया। आप लोगों को इसके बाद एक और चीज़ करना है, पहले ये हो जाए फिर मैं आप लोगों को बता दूँ तो क्या करना है। तो ये हो गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप गो टू द फाइल पे चले जाओ या ब्राउज फाइल भी कर सकते हो लेकिन गो टू द फाइल पे जाओ तो डायरेक्ट ओपन होगा। फिर इसको ऑफिस रिबिल्ड पे क्लिक करो और रिसाइन विद द टेस्ट सिग्नेचर कर दो, और इसमें से कुछ भी क्लिक नहीं करना है, सीधा रिसाइन करना। और ये हो गया, और अब आपको अपना मोबाइल रिस्टार्ट कर लेना है। और रिस्टार्ट करने के बाद गेम में चलते हैं। अब ये देखिए मेरा गेम हो चुका है स्टार्ट। मेरा 400 MB की फाइल डाउनलोड करने बोलेगा तो 400 MB की फाइल डाउनलोड कर लेना। और गेम थोड़ा लैगी चल रहा है मेरे में लेकिन चल जाएगा, मैं आप लोगों को अभी गेम प्ले दिखा रहा हूँ ये। और अभी फर्स्ट गेम प्ले देख के कोई वो नहीं करना, क्या यार गेम बहुत बेकार है या वो है, पहले पूरा उसको आने दो। ये गेम एक्सेप्ट नहीं करता इसलिए मुझे अपना ऑटो पिकअप करना पड़ा। तो मैं चलिए आप लोगों को डायरेक्ट वीडियो में गेम प्ले में लेकर चलता हूँ। ये देखिए हो गया वैसे, तो ये देख सकते हैं ये गेम हो चुका है स्टार्टअप। और ये थोड़ा सा लैग हो रहा था क्योंकि अभी बीटा वर्जन में ही है, तभी इसके बहुत सारे रिव्यू भी लिए हैं गेम वालों ने जो थोड़े बहुत 3-4 मैच खेले उन लोगों को मालूम होगा कि गेम वाले रिव्यू ले रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।